तो कैसे हो यार दोस्तों आप सभी। तो इंस्टाग्राम रील्स पर आपने इस वीडियो का देखा, लाइटिंग इफेक्ट वाला जो इस भाई का वीडियो बहुत ही खासा ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो कुछ भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई यार कोई इसका ट्यूटोरियल बताओ। तो जब तक मुझे लगता है तो दोस्तों ये काइन मास्टर से एडिट नहीं हुआ है, ये कुछ और या एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर से एडिट किया हुआ है। आपको पता है आपका भाई अगर ट्यूटोरियल लाता है तो काइन मास्टर से। तो दोस्तों करते हैं एडिटिंग स्टार्ट। तो काइन मास्टर ओपन कर लेना है, मैं आपको काइन मास्टर से बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं। और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप किया तो शायद आप परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाओगे। तो काइन मास्टर प्लस पर टैप कर देते हैं और जो बीच वाला रेशियो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 9:16 वाला। तो इस तरह से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने एक वीडियो यहाँ पर पहले से ही बना रखा है। तो इस वीडियो को मैंने क्या दोस्तों ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया था इस तरह से। तो आप भी इस तरह से ग्रीन स्क्रीन पर भी शूट कर सकते हो, बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैक पर्दे पर अगर शूट करोगे आपका वीडियो तो वीडियो बहुत शानदार बनेगा, जैसे हमारे जो इफेक्ट लगेंगे वो शानदार नज़र आएंगे। तो अब दोस्तों वो रही बात इफेक्ट की, तो उसका मैंने बहुत मेहनत करके दोस्तों एक पैक डाउनलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल जितने भी इफेक्ट है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं एडिटिंग स्टार्ट। वीडियो आ चुका है दोस्तों इस तरह से। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ से आप इस तरह से देख सकते हो पहले आपकी शूटिंग आती है, जिस तरह से थोड़ा वीडियो हम ऐसे दोनों उंगलियाँ टैप करके जूम कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है। अब हमें यहाँ पर पहला इफेक्ट यूज़ करना है। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों इतने सारे इसमें नहीं ऐड होंगे। तो आपका इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी वीडियो में और में भी इन सभी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं ये पहला स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये इफेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो इफेक्ट आने के बाद दोस्तों क्या करना है, पहले तो मैं इसको तो नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन कर देना है, इफेक्ट ये नज़र आएगा और कुछ नहीं नज़र आएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले स्क्रॉल करते हैं आगे। हम अब आपको जहाँ से जो ये इफेक्ट है जितना लंबा रखना है वो पहले डिसाइड कर लेना है यहाँ से। तो हम इसको इतना रखते हैं। तो स्टार्ट में आ जाते हैं और इस इफेक्ट को हम यहाँ पर सेट करते हैं यहाँ के मुँह के आसपास। तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर देना है और वीडियो को थोड़ा आगे स्क्रॉल करना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया कुछ, एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसको की को इस्तेमाल करना है यहाँ से दोस्तों। तो इतना सेट हो गया इस तरह से। थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, जितना अच्छा तरीके से सेट करोगे उतना ही आपका वीडियो बहुत ही मस्त वीडियो बनने वाला है। तो थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, सेट करते रहना है और इस तरह से आपको आगे स्क्रॉल करते रहना है। तो हम यहाँ पर इसको फुल स्क्रॉल कर देते हैं। तो इफेक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, राइट पर टिक कर देते हैं। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर साउंड को बंद कर लेता हूँ, साउंड नहीं सुना सकता दोस्तों, कॉपीराइट आने का चांसेस है। तो इस तरह से आपका पहला इफेक्ट जो है कमाल का है। सेकंड इफेक्ट लगाना है तो वह आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको जो वो दिल का था वो यहाँ पर इफेक्ट यूज़ करना है। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं और अपनी गैलरी से तो आपको यहाँ पर वो भी मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह से आगे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन पर टिक कर देना है इस तरह से। अब आपको ये जो रखना है इफेक्ट इतना ही रखना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ से हाथ मेरा नीचे जा रहा है यहाँ तक रखना है। तो क्या करना है, एक ब्लेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करके एक बैक आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करोगे कैंची का ऑप्शन दिखेगा और इस पर आपको क्या करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है इस तरह से। इस इफेक्ट को हम इतना ही रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो आप थोड़ा बड़ा अगर करना चाहते हो। अब आपको स्टार्ट में आ जाना है यहाँ तक और सभी के ऑप्शन पर टैप कर देना है, दोनों उंगलियाँ टैप करके जूम कर लेते हैं थोड़ा सा वीडियो को और आगे स्क्रॉल करना है यहाँ से और इसको यहाँ पर शेड करते रहना, थोड़ा आगे स्क्रॉल करना है यहाँ शेड करते रहना, थोड़ा और स्क्रॉल करना है इस तरह से। ये बहुत ही अच्छे आसान तरीके से हो जाएगा ये इफेक्ट तो यहाँ पर यूज़। तो अब आपको क्या करना है, एक प्लस का डॉट दे देते हैं यहाँ पर और यहाँ तक आ जाते हैं, एक और प्लस का डॉट दे देते हैं, थोड़ा वो नीचे आते हैं यहाँ तक, सॉरी दोस्तों इस पर टैप हो गया स्क्रीन पर, फिर से टैप कर देते हैं, सभी पर जाते हैं, थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल कर लेना है और आपको पहले तो यहाँ पर एक डॉट दे देना है और इस तरह से आगे चले जाना है, इतना थोड़ा एंड तक चले जाते हैं यहाँ तक चले जाना है। तो अब आपको क्या करना है, एक डॉट दे देना है और इस दिल को आपको यहाँ छोड़ देना और राइट पर टिक कर देना है। अब दोस्तों देखते हैं हमारा इफेक्ट जो है यहाँ पर अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मस्त इफेक्ट लगा आप देख सकते हो दोस्तों। अब हमारा जो थर्ड इफेक्ट है वो यूज़ करते हैं आँखों के ऊपर, इस तरह से आता है कुछ
तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आना आपको और यहाँ रुक जाना है, और लेयर पर टैप करते हैं, मीडियो पर टैप करते हैं और अपनी गैलरी से और ये वाला इफेक्ट आपको यूज़ कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन पर टिक कर देना है, राइट पर टिक कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये इफेक्ट हमें कितना रखना है इस हिसाब से, तो हमें ये इफेक्ट बस इतना ही रखना है यहाँ तक, तो इस पर टैप करते हैं, कैंची पर जाते हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर लेते हैं, इसी पर टैप करते हैं, स्टार्ट में आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से अगर थोड़ा सी दिक्कत आए तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर टैप करके फुल स्क्रीन कर लेना, जूम कर लेना इस तरह से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर सेट कर देना है इन आंखों के बीच में, अच्छी तरीके से सेट होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा। की का ऑप्शन देकर इस पर टैप कर देते हैं, थोड़ा वीडियो स्क्रॉल करते हैं और इसको आपको यहाँ से सेट करते रहना है, बस आपको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से सेट करना है तभी आपका वीडियो मस्त वीडियो बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करना है इस तरह से, थोड़ा और वीडियो स्क्रॉल करते हैं और इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर सेट करते रहना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अब आप बता सकते हो कि वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, इस तरह से आपको शेयर करते रहना है। और आपको पता, आपका भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लाता ही रहता है, जैसे पिक्सआर्ट का हो चाहे काइनमास्टर का हो, इस तरह से आपको ये वीडियो इफेक्ट वाला इस तरह शेयर करते रहना है। और एंड में आ जाते हैं और यहाँ पर शेयर कर देते हैं यहाँ पर, और राइट पर टिक कर देते हैं, जूम कम कर लेते हैं, तो हमारा वीडियो यहाँ तक बन चुका है। अब स्टार्ट में आके आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करते हैं और एक और इफेक्ट यूज़ करते हैं इसी पर, तो वो इफेक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो मैं एक बार देख रहा हूँ, तो ये वाला इफेक्ट इसको ऐड कर लेना, ओके प्रेस कर देते हैं और इस तरह से आपको सीधा कर लेना है इसको, और इस तरह से जूम करके अपने फुल स्क्रीन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है और स्क्रीन पर टिक कर देना है और राइट पर टिक कर देना है, तो आप देख सकते हो दोस्तों आपका जो वीडियो है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से वीडियो कितना आसान तरीके से वीडियो बना है, और इसी तरह से हमने एक और चीज़ जो है ये बाहर बॉर्डर वाली ये हमने ऐड कर दिया दोस्तों। इस तरह से आप और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, आपका बहुत ही वीडियो परफेक्ट बनेगा इस तरह से बनाओगे। तो अब इस वीडियो को करते हैं गैलरी में सेव, तो इस एरिया पर टैप करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।